नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, हमारे देश में गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या मकसद है, इसको समझने के लिए पहले एक वीडियो, वो वीडियो आप देखिए। दोस्तों, इधर हम खड़े हैं वकई बस डिपो नगर मानिकपुर क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं एक व्हाइट कलर की और गाड़ी जिसका नंबर हमने 04 3 7 5 7 6 है। ये गाड़ी गलत तरीके से पार की गई है, उस वजह से महानगर पालिका की बस को टर्न होने को नहीं मिल रहा है। और अभी महानगर पालिका की बस यहाँ बीच में ही खड़ी थी, पीछे भी जगह नहीं थी, आगे भी जगह नहीं थी, और इस वजह से काफी ट्रैफिक हो चुका था। अभी आप देख रहे हैं कि फिर भी लोगों ने यहाँ पर ट्रैफिक टाइट किया और गाड़ियाँ निकलने शुरू हुई है। अब सवाल यह है कि टोइंग विभाग जब यहाँ बाइक पड़ी होती है उनके ऊपर कार्यवाही करता है, बाइक को उठाता है, तो यदि फोर व्हीलर बीच में पड़ी होती उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? हमने कई बार ये सवाल उठाया, क्या इन अमीरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, सिर्फ गरीबों को कार्यवाही का एक शिकार बनाया जाता है? ये संगठित रूप से ऐसा कारोबार है महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का कि जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ टोइंग की गाड़ियाँ सुबह से शाम तक अगर एक बाइक गलत पार्क हो तो उसको उठाया जाता है, उसको हैरेस किया जाता है। इस तरह से फोर व्हीलर की वजह से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। मेरा वीडियो आपने देखा, ये वीडियो दरअसल आज दोपहर में वसई नवगर माणिकपुर बस डिपो के पास का हालत है, जहां पर एक फोर व्हीलर गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और वहां मैंने ये वीडियो बनाया था। हालांकि हमने पुलिस को कंप्लेन की और ट्रैफिक पुलिस ने आकर उस गाड़ी को फाइन भी लगाया और जैसे तैसे ट्रैफिक को क्लियर करवाया। अब मेरा मुद्दा यह है कि वहां से ट्रैफिक तो क्लियर हुआ, लेकिन जो मैं अभी बोल रहा था कि गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, तो आज जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब मेरे को कई चीजें, शॉकिंग चीजें मालूम पड़ी। दरअसल मीरा बंदर वसविरार आयुक्तालय अंतर्गत फोर व्हीलर अगर रॉन्ग पार्किंग की जाती है तो उसको कार्यवाही का कोई फिलहाल धोरण नहीं है, सिर्फ एक साधारण सा 500 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। टू व्हीलर अगर पार्किंग की जाती है तो उसको तुरंत, टू व्हीलर अगर गलत पार्किंग है तो उसको तुरंत टोइंग किया जाता है और उठा के ले जाकर पटक दिया जाता है सरकारी गोदाउन में। लेकिन फोर व्हीलर रोड पर एक नहीं, दो नहीं, चाहे कितनी भी हो, उनको कुछ नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं फोर व्हीलर कौन खरीद सकता है, गरीब तो खरीद नहीं सकता है, अमीर है वही खरीद सकता है। और गलती से कभी अगर फोर व्हीलर को प्रशासन अगर दंड लगा भी दे तो वहां भी भेदभाव है। भेदभाव ऐसा है कि दंड के मामले में फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों पर प्रशासकीय दंड 500 रुपया एक जैसा लगता है, लेकिन टू व्हीलर के मालिक को 200 रुपए टोइंग का अलग से भरना पड़ता है, क्योंकि टोइंग जो है वो प्राइवेट कंपनी द्वारा की जाती है, तो वहां उसको कुल मिलाकर 500 दंड का और 200 टोइंग का एक बाइक वाले को 700 रुपए भरना पड़ता है, जबकि एक कार जो रोड पे कहीं भी ऐसी खड़ी कर दी जाती है और ज्यादा मुश्किलें बड़े बड़े गाड़ियों से होती है, कार ही नहीं रिक्शा की वजह से भी काफी वसई स्टेशन की तरफ बहुत बड़ी परेशानी आती है, रिक्शा भी जैसे तैसे लगे होते हैं, लेकिन रिक्शा के ऊपर तो कभी प्रशासन का ध्यान जाता ही नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो मुझे नहीं पता। तो हम बात कर रहे थे कि कार जो बीच सड़क में पड़ी थी और उसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम हुआ, उसके बावजूद कार पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 500 रुपए का एक दंड लगाया गया। जब हमने फॉलोअप किया, हमने पूछा कि इस कार को क्यों नहीं टोइंग किया जाता है, तब हमें यह मालूम पड़ा कि कार को टोइंग करने का कोई धोरण ही महा आयुक्तालय अंतर्गत नहीं है और न ही
आयुक्ताल अंतर्गत कोई बड़ा ऐसा टोइंग वैन है जो कि कार को टोइंग कर सके, तो सीधा से ये मेरा कहना है कि हमेशा प्रशासन सॉफ्ट जो टारगेट है उसको टारगेट करता है, और प्रशासन को यहां पर किसी तरह का ट्रैफिक से छुटकारा दिलाना प्रशासन का मोटिव नहीं है। प्रशासन का मोटिव है सिर्फ और सिर्फ दंड वसूल करना, पैसे वसूल करना। एक आध बार जब कोई गलत पार्किंग लगाता है तब प्रशासन के लिए वो काफी आसान हो जाता है कि वहां से हम दंड वसूलेंगे। और टोइंग कंपनी, जिस किसी ठेकेदार को टोइंग का ठेका दिया हुआ है, उसके लोग इतने तत्पर रहते हैं कि जहां कोई गलत वाहन पार्किंग दिखाई दिया उसको तुरंत टोइंग करते हैं, कि उनको मालूम है एक वाहन को टोइंग करने पर उनको 200 रुपए मिलने वाला है। एक बार फिर सवाल ये आता है कि 500 रुपए प्रशासन किस चीज का लेती है? पुलिस प्रशासन जो दंड लगाता है 500 रुपए वो किस चीज का है? रॉन्ग पार्किंग का है तो क्या टोइंग की व्यवस्था खुद पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा सकती है? तो इसके पीछे भी बड़ा कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। इसके पहले भी मैंने इस विषय पर खबर चलाई थी और बताया था आपको कि वसई अंतर्गत, वसई मणिपुर क्षेत्र हो या वसई अंबाड़ी रोड क्षेत्र, जहां पर कई बड़े बड़े गोडाउन हैं, जहां खुले में बाहर बड़ी बड़ी फोर व्हीलर महंगी गाड़ियां वो बेचने के लिए रखते हैं, उनको कोई दंड नहीं लगता है और उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती, भले उसकी वजह से कितना ही ट्रैफिक जाम क्यों ना हो जाए, जैसा कि आज दोपहर को इस घटना में हुआ। काफी समय तक ट्रैफिक जाम था लेकिन उस गाड़ी का कुछ नहीं हुआ, गाड़ी मालिक बाद में आया होगा और आराम से गाड़ी लेकर गया। यही एक टू व्हीलर मालिक होता तो उसको कितनी परेशानी होती, उसको अपनी गाड़ी लेने के लिए प्रशासन के गोडाउन में जाना पड़ता, वहां जाकर अपनी आइडेंटिटी दिखाकर, अपने गाड़ी के कागजात दिखाकर उसके बाद उसको वो गाड़ी मिलती। लेकिन यहां एक गाड़ी रोड पर वहीं पड़ी रही, सिर्फ गाड़ी पर 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया जो वो तब भरेगा जब भरेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग कानून है ऐसा दर्शा रहा है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो दोहरी भूमिका है, इस तरह का जो दोहरा रवैया है उसको बदले, और पार्किंग की जगह, अभी तो पार्किंग का धोरण, पार्किंग नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए हैं महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने, लेकिन तब भी शहर की जनसंख्या देखते हुए वो पर्याप्त नहीं है। और जब अगर टू व्हीलर पर कार्रवाई की जा रही है तो फोर व्हीलर को बख्शना नहीं चाहिए, फोर व्हीलर के ऊपर भी कार्रवाई करे प्रशासन, ये आवश्यक है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में हमें दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार। या गाड़ी मुळे वाहतूक कोंडी जाम झाली आहे, बाकी लोकांना सर्वांना त्रास झालाय। माझं म्हणणं आहे कायदेशीर या गाडीवरती कारवाई व्हायला पाहिजे, कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे, एवढंच म्हणणं आहे। वाहतूक कोंडी आपली जाम झाली आहे, कोणाची गाडी आहे? पण एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।